कल को जब हम कहते हैं कि रियल एस्टेट टोकनाइज हो सकती है, इक्विटीज टोकनाइज हो सकती है, हम एक चीज भूल जाते हैं जो कि है आर्ट। आर्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है रियल वर्ल्ड एसेट्स का। कोई चीज जब आप ओन करते हो ऑन चेन, तो आप प्रूव कर सकते हो कि देख भाई इसका ओनर मैं हूं, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टोकन को मूव कर सकता हूं। अगर सलमान खान की पेंटिंग को ओन करना चाहते थे तो वो कभी नहीं हुआ, आज से पहले ये पहली बार होगा। मेरे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि चीजें जो मैं करना चाहता था वो पॉसिबल नहीं थी पहले, अब जब पॉसिबल हुई है तो वो होती जा रही है वन बाय वन वन बाय। 14 तारीख को उनकी जो पेंटिंग है, इसका टाइटल है यूनिटी वन, वो पेंटिंग आ रही है पहली बार, जिसको हमने 10,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयरनेस भी लाएं, दोनों तरह की लिटरेसी भी लाएं कि आर्ट है क्या। हमने कम्युनिटी के लिए जो एयर ड्रॉप निकाला है वो आप एयर ड्रॉप आपको मिलेगा, टीजी जो हो रही है हमारी 17 तारीख को। फुल्ली अडॉप्टर्स हैं बेसिकली, तो उनको आर्ट फाइव का जो आप टोकन है वो एयर ड्रॉप मिलेगा। आपके पास एक फिजिकल आर्ट ओनरशिप भी है, एट द सेम टाइम डिजिटल आर्ट ओनरशिप तो आपके पास ब्लॉकचेन पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी पोटेंशियल जानना चाहेंगे कि कल को सलमान खान की पेंटिंग का फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, अब उस पेंटिंग अब क्या करेंगे, मतलब व्हाट नेक्स्ट, क्या सेकेंडरी मार्केट में उनको बेचना है, कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो बिक जाएगी क्या फ्रैक्शन, कि मैंने फ्रैक्शन खरीद लिया, हाउ डू आई 100% मुझे कैसे श्योरिटी होगी कि मेरी इसके पीछे की पेंटिंग वाकई सलमान खान की आपके पास है। किसी भी टैंजिबल एसेट का प्रूफ ऑफ रिजर्व ठीक है एक हद तक, बट प्रूफ ऑफ स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हाल में है और कहाँ है। मेजॉरिटी ऑफ फ्रैक्शन होल्डर्स मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही है, फिजिकल पेंटिंग बिक रही है, तो उसको बिकने दो और जो उसका प्रॉफिट है वो सारे फ्रैक्शन होल्डर्स में बढ़ जाए। जो सलमान खान से कभी बात हुई है तो उसमें उनकी एक्साइटमेंट का भी पता लगी कि उनको लगता है कि ही इज ही ऑल्सो एक्साइटेड टू सी के हाउ दिस टोकनाइजेशन ऑफ हिज पेंटिंग का रिस्पांस कैसा आएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेंटिंग्स जो हैं आम जनता के बीच में आ रही है और आम जनता उन पेंटिंग्स को खरीद सकती है, और खरीद सकती है अपने बजट के हिसाब से। मतलब नहीं है मेरे पास यार मिलियंस में पैसे की पेंटिंग खरीदने की, कोई बात नहीं भाई, $25-30 है, हाँ इतने तो कर सकता हूँ मैं सलमान खान की पेंटिंग का, एक छोटा सा फ्रैक्शन खरीद सकता हूँ, आज वो चांसेस आपके सामने हैं। हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग, साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने पहले भी एक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है आसिफ कमाल के साथ जो कि आर्ट फाई के फाउंडर हैं, और हमने आर्ट फाई को डिटेल में कवर किया था कि किस तरीके से हम RW की जब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड एसेट्स की, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एसेट्स में आपका रियल एस्टेट भी आता है और भी आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे आपके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इक्विटीज़ हैं, आपकी इतनी सारी चीज़ें आपकी जो है वो आ जाती हैं। तो कल को जब हम कहते हैं कि रियल एस्टेट टोकनाइज हो सकती है, इक्विटीज़ टोकनाइज हो सकती है, हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो कि है आर्ट। आर्ट भी टोकनाइज हो सकता है और हो रहा है। और जब हम कहते हैं कि रियल वर्ल्ड एसेट, तो आर्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है रियल वर्ल्ड एसेट्स का। रियल वर्ल्ड एसेट्स बेसिकली क्या है कि आपको टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हम जब रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करते हैं, हम बिल्डिंग की बात करते हैं, हम बिल्डिंग को छू सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर रह सकते हैं, बिल्डिंग की मरम्मत करा सकते हैं। सिमिलरली जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, तो हम स्टॉक्स को भी अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल, जो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप शेयर सर्टिफिकेट को छू सकते हैं, उसे रख सकते हैं। जब हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, तो हम डिजिटल लॉकर्स में उसको डिजिटल नंबर्स को देख सकते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटीज हैं। सिमिलरली जब हम आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट को हम अपनी दीवार पे टांग सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको साथ में रख के सो शायद ही कोई ऐसा करता होगा, लेकिन बेडरूम में आप उसे टांग सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि रियल वर्ल्ड एसेट आपको टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करता था। ये कहना बहुत थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है कि जब मैं कहता हूँ कि रियल वर्ल्ड एसेट को टोकेनाइज, तो टोकेनाइजेशन में क्या होता है कि आप उसको दीवार पे टांग तो नहीं सकते आर्ट को, लेकिन आप फिर भी उसकी ओनरशिप जो है आपकी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है, पहले से ज्यादा आपकी ओनरशिप जो है और ज्यादा आपका दावा उस पर और मजबूत हो जाता है। वो कैसे कि देखिए, जब कोई आर्ट आपकी दीवार पे टंगा होता है, राइट, आप अपने घर में पेंटिंग लेके आपने दीवार पे टांगी, कोई आपसे आके पूछता है, बोलता है ओरिजिनल है क्या, अरे तू कहाँ से ले आया, है ना, आपकी ओनरशिप पे एक मिनट को डाउट कर सकता है। आप लोगों को कितनी बार सर्टिफिकेट निकाल निकाल के दिखाओगे और हो सकता है आपसे सर्टिफिकेट खो जाए। लेकिन कोई चीज जब आप ओन करते हो ऑन चेन, तो आप प्रूव कर सकते हो कि देख भाई इसका ओनर मैं हूं, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टोकन को मूव कर सकता हूं, क्योंकि इसकी प्राइवेट कीज को मैं होल्ड करता हूं, और ये देखिए मेरे वॉलेट के अंदर है, राइट। सो ये जो ओनरशिप है, ये बहुत ज्यादा जो है ना रेवोल्यूशनाइज करने वाली है इस इंडस्ट्री को, खास करके रियल वर्ल्ड एसेट्स को, और उसमें आर्ट के अंदर जो सबसे नंबर वन जो इनिशिएटिव है, जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है, वो है आर्ट फाई का, ठीक है। और मेरे साथ है आसिफ कमाल, हमने डिटेल में आज आर्ट फाई को
कवर नहीं करेंगे, पहले हम एक समरी दे देंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको डिटेल में आर्ट फाई को समझना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 1 घंटे का हमारा एपिसोड है, उसको आप डिटेल में समझिएगा। लेकिन आज आर्ट फाई को का मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, और मैं आसिफ मेरे भाई मेरे साथ हैं, और आसिफ मेरे साथ होने की वजह यह कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यह है कि सलमान खान की पेंटिंग जो है, जो पहली बार, मतलब आज तक सलमान खान ने कभी भी अपनी पेंटिंग को सेल नहीं किया, अगर सलमान खान ने कभी अपनी पेंटिंग बनाई तो उसको डोनेट किया और एक फंड रेजिंग के तौर पर जरूर उन्होंने करा, वो भी सोशल कॉज के लिए, लेकिन आम जनता के लिए जो उनके फैंस हैं या फैंस नहीं भी हैं, अगर सलमान खान की पेंटिंग को ओन करना चाहते थे तो वो कभी नहीं हुआ। आज से पहले ये पहली बार होगा, पहली बार आर्ट फाई अपनी शुरुआत जो है वो सलमान खान की पेंटिंग के साथ कर रहा है कि जो रियल पेंटिंग है उसको टोकेनाइज करके ऑन चेन अब आप भी खरीद सकते हो, और कैसे घर में बैठे हुए एक क्लिक ऑफ अ बटन। ये एक अजीब सी एक ना ये जो इम्पॉसिबिलिटीज हैं उसको पूरा कर रहा है, और मैं उसी चीज के लिए मैं आसिफ को पहले तो कंग्रेचुलेट करता हूँ। और आसिफ भाई सबसे पहले थोड़ा सा आर्ट फाई के बारे में, एंड उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे कर सकता है कोई, कैसे कोई फ्रैक्शन को ओन कर सकता है, और हाउ इज इट इवन पॉसिबल। सो व्हाट इज द मेजर डेवलपमेंट राइट नाउ दैट यू आर अबाउट टू सी इन द नियर फ्यूचर, उसके ऊपर बात करते हैं। आसिफ भाई ओवर टू यू। थैंक यू काशिफ भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा पहला पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा था, और ऐसे एक क्रिशियल टाइम पे वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। ये एक मेरे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि चीज़ें जो मैं करना चाहता था वो पॉसिबल नहीं थी पहले, अब जब पॉसिबल हुई हैं तो वो होती ही जा रही हैं, वन बाय वन, इवेंट बाय इवेंट। पहले एक प्लान था कि हम आर्टिस्ट को लाएंगे, पेंटिंग लाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, एक ERC-721 स्टैंडर्ड का टोकन बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप ये खरीदो। मूविंग फॉरवर्ड वो इतना एक्सेसिबल हो गया मेरे खुद के लिए कि अब वो चीज़ें, फिर सलमान खान साहब की पेंटिंग भी आई और फिर शाशा जाफरी भी आए, अब थिंग्स आर मच स्ट्रॉन्गर इन अ पोजिशन। और हम अब जो इवेंट है आगे वो ये है कि 14 तारीख को उनकी जो पेंटिंग है इसका टाइटल है यूनिटी वन। वो पेंटिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है भारत की डाइवर्सिटी को, इसके लव को, इक्वालिटी को। वो पेंटिंग आ रही है पहली बार, जिसको हमने 10,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया है, और मैं दिखाऊंगा आपको वो पेंटिंग, और आप कहें तो मैं वो दिखा भी सकता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं कि वो जिस चीज से शुरुआत हो रही है, मतलब अपने ऑडियंस को बता रहा हूं कि सोचिए सलमान खान की पेंटिंग जो अभी ये दिखाएंगे, जो पेंटिंग एक्चुअल में फिजिकल पेंटिंग इनके पास है, फिजिकल पेंटिंग इन्होंने रख दी है अपने पास, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को ओन ही नहीं करते हो तो उसका फ्रैक्शन कैसे बना सकते हो। तो पहले जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात करेंगे। आसिफ भाई के पास वो पेंटिंग फिजिकली आ गई है, और उस पेंटिंग को एक फाउंडेशन के पास रख दिया, उसके प्रॉपर उसको स्टोरेज में रख दिया है, और अब उसके बाद वो क्योंकि ओन करते हैं तो अब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो आम जनता है उसके लिए अवेलेबल कर दिया है ओनरशिप के लिए। वो कौन सी पेंटिंग है आसिफ भाई, उसको एक बार दिखा दीजिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? मैं देख पा रहा हूं जी। तो ये पेंटिंग जो है वो सलमान खान की, जैसे हमने डिस्कस किया, इसका टाइटल यूनिटी वन है। ये 14 तारीख को वो एक और वीडियो डालने वाले हैं जिसमें वो बताएंगे कि इस पेंटिंग की जो सेल है वो लाइव होने जा रही है artfai.world पे। कोई भी जो इस पेंटिंग के फ्रैक्शन खरीदना चाहता है उसको मैं ये पेंटिंग की पहली ग्लिम्स दिखाना चाह रहा हूँ, कि जब वो आएंगे, आप भी अगर वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको ये पेंटिंग ऐसे टाइल्स में, डिजिटल टाइल्स में डिवाइड की हुई दिखेगी। और ये जो आपको पर्पल दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि ये अवेलेबल नहीं है, सोल्ड है। और जिस हिस्से पे भी आप कर्सर लेके जाते हैं, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, वो उस पर्टिकुलर पार्ट का फ्रैक्शन नंबर और उस पर्टिकुलर पार्ट का कोऑर्डिनेट्स, इस पे बात करेंगे हम कि क्यों जरूरी था ये, क्योंकि फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये होता है कि आपको एक टैंजिबल एसेट को कोऑर्डिनेट से जब डिफाइन नहीं करते हैं आप, और उसको रेप्लिकेट या उसका मिनिएचर या कॉपीज बनाते हैं, तो नॉन फंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को खत्म हो जाता है, वो उस कैरेक्टर को छोड़ देता है वो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स। तो हर पार्ट का, हर पोर्शन का, हर फ्रैक्शन का एक कोऑर्डिनेट्स होगा, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, आपका मेटामास्क वॉलेट या जो भी वॉलेट कनेक्टेड है, आपने यहाँ से लेट से ये वाला पार्ट आपको पसंद है, मुझे जैसे पर्सनली लेट से ये 48 पसंद है, तो मैंने यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट किया, ये मुझे दिखा रहा है 676, मैंने 676 सिलेक्ट किया, और मैं नीचे आता हूँ तो मुझे मेरे पेज पे ये दिखता है कि मैंने कौन कौन से फ्रैक्शन सेलेक्ट किए हैं,
अगर मुझे इन तीनों में से सिर्फ 676 चाहिए तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा यहाँ से, और अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ दिखाएगा कि मैंने एक फ्रैक्शन सेलेक्ट किया है। ये डेमो प्राइसेस हैं, ये डेमो डिटेल्स हैं, ये रियल नहीं है। और उसके लिए जो हमने एक कैंपेन चलाया था GOP जेनेसिस ऑफरिंग पास, प्रायोरिटीज उनकी होगी पहले इस आर्टवर्क को खरीदने में 14 तारीख को। और आपके पास जितने GOPs हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आपके पास 3 GOPs हैं तो आप एक फ्रैक्शन सलमान खान की यूनिटी वन की ले सकते हैं। और आप ये क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि इधर यू कैन चूज टू पे बाय यूजिंग GOP जो आपके पास ऑलरेडी पास है, और सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा वॉलेट की कौन कौन आपके पास पास है कि नहीं है, और अदरवाइज यू कैन पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, एनी अदर क्रिप्टो पेमेंट। और क्रिप्टो पेमेंट जो आप जाते हैं तो आप USDT, USDC, मैटिक ऑन ब्लॉक, ऑन पॉलीकॉन ब्लॉक चेन पे वो सपोर्ट करते हैं हम, एंड वो उसके बाद आप नेक्स्ट जाते हैं और जो भी आपको पे करना है उस पर क्लिक करते हैं और आप पे कर लेते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ ट्रांजेक्शन इफ़ यू वॉन्ट, तो जैसे ये बाइनेंस पे गए हैं, हमने ये क्लिक किया, अभी बाइनेंस पे एक ट्रांजेक्शन प्रोसीड करेगा इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का, और वो जो है आपको बताएगा प्राइस कितना आ रहा है इसका, और मैं इसको अभी आपके सामने परचेज करके ही दिखाता हूँ। मैंने ये अपना बैलेंस ऐप खोला, मैंने ये कोड को स्कैन किया, यहाँ से कंटिन्यू किया और मैंने ये अपने मोबाइल से पे कर दिया जिफ ऐप स्कैन करके, और यहाँ पे विद इन अ सेकेंड ये पेमेंट हैज़ बिन डन, आ गया ये। और अब पेज पे जब वापस आएंगे तो ये दिखा रहा है कि पेमेंट इनिशिएटेड ऑन बैलेंस, पेमेंट कन्फर्मेशन फ्रॉम बैलेंस इज डन, नाउ दे आर वेटिंग फॉर कन्फर्मिंग ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन एंड देन this fraction is yours. If even if you don't have the GOPs, this is how the general process ArtFi का जो होने वाला है, किसी भी आर्ट को ला करके बेचने तक का जो सफर है ये ऐसे ही रहने वाला है। हालांकि इस पहले केस में चूंकि हमारी ओपनिंग है और ये हमारा जेनेसिस कलेक्शन है तो इसमें हमने एक बहुत अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन किया, तो इसकी वजह से GOP होल्डर्स को पहली प्राथमिकता दी जाएगी कि वो पहले अपना कलेक्ट करें। राइट right. तो इसमें सपोज कोई किसी ने पहले GOP नहीं लिया, वो अभी GOP लेना चाहता है, तो क्या वो GOP अभी मिल सकता है उसे? हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकता है। अभी कुछ नहीं करना है, आपको artfi.world पे जाना है और आपने यहाँ पे गेट योर GOP में जाके क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रोसीड बाय करके आपको ले लेना है। आपको जैसे भी कनेक्ट करना है, वॉलेट से कनेक्ट करना है, वॉलेट से कनेक्ट करना है, जैसे भी कनेक्ट करना है, कनेक्ट विथ योर वॉलेट, कनेक्ट विथ योर ईमेल, हाउएवर यू वॉन्ट you can connect with so many wallets we support, Bybit, OKX, MetaMask, BitGate, Gate, Coinbase, Safe, all wallets, aur aap abhi bhi khareed sakte ho, aur if you have 3 GOPs you will get opportunity to first to claim the fraction, and if we will fulfill with the first artwork hum dusra painting le aayenge, because we are committed to give ki jitne bhi logon ne kashi bhai wo liya hai wo sabko commitment hai ki wo painting ka claim le sakte hain। और इसके साथ एक और चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हर GOP का जो होल्डर है उसको हम एयर ड्रॉप भी दे रहे हैं। ये बेसिकली मैंने तो आर्ट की कंपनी बनाई है काशिफ भाई, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द फैशन एंड इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यूज टू द कम्युनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयरनेस भी लाएँ, दोनों तरह की लिटरेसी भी लाएँ कि आर्ट है क्या, और वो करने के लिए हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, which includes कि अगर आपके पास GOP है तो आप इन सारे आर्टिस्टों का फ्रैक्शन क्लेम कर सकते हैं, और प्लस हमने कम्युनिटी के लिए जो एयर ड्रॉप निकाला है वो आप एयर ड्रॉप भी आपको मिलेगा TG जो हो रही है हमारी 17 तारीख को, उसमें तो उसमें एयर ड्रॉप फ्रैक्शन लेने वालों को एयर ड्रॉप मिलेगा। या हम चाहते थे इंसेंटिवाइज करना चाहते थे काशिफ भाई, बेसिकली हमने ये जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं बेसिकली तो उनको ArtFi का जो आप टोकन है वो एयर ड्रॉप मिलेगा। करेक्ट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो एक प्लीज मुझे बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा आपके सामने है वीडियो ये? हाँ। नमस्ते सलमान खान, फॉर द फर्स्ट टाइम माय पेंटिंग्स विल बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। ये वो वीडियो का इनिशियल पार्ट है, वी हैव लॉन्च समथिंग कॉल्ड PAO, फिजिकल आर्ट ओनरशिप।
अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर 10 और 12 है, जब आप 14 तारीख को क्लेम करने जाएंगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा जिसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फिजिकल आर्ट ऑब्जेक्ट भी चाहते हैं कि आपके टेबल पे आके रखा है जो क्रिस्टल, देखा आपने ट्रॉफी, क्रिस्टल ट्रॉफी आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपका फ्रैक्शन नंबर लिखा हुआ सलमान खान की पेंटिंग का, आपका ही फ्रैक्शन नंबर लिखा हुआ आपके लिए वो ऑर्डर होके आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द टू द वेंडर हु विल प्रिंट दिस क्रिस्टल ट्रॉफी फॉर यू। यू विल नॉट, यू विल नॉट ओनली हैव द डिजिटल एसेट इन योर वॉलेट बट यू कैन, मतलब कह रहे हो कि आप नेक्स्ट लेवल पे गेम को ले जा रहे हो कि अब किसी ने सलमान खान की पेंटिंग में कुछ फ्रैक्शन ओन करे, अब वो चाहता है कि नहीं यार मेरे को तो रखना है टेबल पे यार, और मुझे तो चाहिए टेबल पे, तो आपको वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन उस ट्रॉफी पे जो आपने भी देखी उस पे प्रिंट होके आ जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो कीप इट इन योर यू नो फ्लेक्स योर दिस थिंग कि आप अपनी ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो, अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हो कि यू ओन अ पार्ट ऑफ सलमान खान पेंटिंग, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग राइट। जी बेसिकली अगर आपके घर कोई आता है तो आप ये दिखा सकते हैं कि जो मैंने सलमान खान की पेंटिंग में इन्वेस्ट किया था या उनका फ्रैक्शन लिया था, ये वाला फ्रैक्शन मैंने लिया था और ये उसकी वो है, तो आपके पास एक फिजिकल आर्ट ओनरशिप भी है एट द सेम टाइम डिजिटल आर्ट ओनरशिप तो आपके पास ब्लॉकचेन पे है ही। एक बात बताइए, यहाँ कोई अल्फा दे सकते हैं कि किसी को अगर फ्रैक्शंस लेने तो कौन से फ्रैक्शंस ले, क्योंकि क्या ट्रेड्स भी तो होते हैं ना कि कुछ फ्रैक्शंस की ज्यादा डिमांड होगी, कुछ की कम वो होती है। जी आई थिंक वैसे तो ऐसे आप बता नहीं सकते एडवांस में, लेकिन दुबई में क्या चल रहा है बेसिकली, तो अगर आपके पास गाड़ी नंबर 3 नंबर प्लेट की गाड़ी है दुबई में तो बहुत महंगी है ना। मोबाइल नंबर बिका था अभी आई थिंक 1-2 मिलियन दिरहम में बिका था मोबाइल नंबर, या 5 या 7 मिलियन का देखना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर। सो देयर इज अ गेम ग्लोबली जो नंबर्स का गेम है ना। अगर आपके पास 7777 है तो वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देखिए मैंने जब पेंटिंग को फ्रैक्शनलाइज करने की बात की तो आर्टिस्ट की अपनी एक एक वैल्यू है, गरिमा है ना, तो आर्टिस्ट का हर कॉर्नर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका मिडिल वाला कॉर्नर है या साइड वाला कॉर्नर है या सेंटर है। बट सेकेंडरी मार्केट प्लेस पे आप बिल्कुल सही आ रहे हैं, सही जगह पे आ रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट प्लेस पे इसका इसकी मैनिपुलेशन, इसका रोल प्ले बिल्कुल है। अगर अगर आपके पास ये वाला हिस्सा है फोरहेड का और किसी के पास चीक बोन का हिस्सा है, किसी के पास आईज है, और वो नंबर भी अगर लेट से फॉर एग्जांपल सलमान खान का नंबर 2712 है उनका ब्रांड भी, तो इन नंबरों के लिए तो वहां पे कैसे होड़ नहीं मच जाएगी, मतलब फिर बाय कैसे होगा, या ये उस टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेफरेंस मिलेगी किसी को या समथिंग लाइक दैट, किसी के पास ज्यादा जीओपी है तो उसकी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी नहीं करना चाहते थे हम, टू बी ऑनेस्ट ये भी नहीं करना चाहते थे हम, ये चाहते थे कि बेसिकली फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिले और जब ओपन हो उनके वीडियो डालने के 1 सेकंड के बाद प्लेटफॉर्म ओपन हो जाए। टाइमिंग बताइए कब कब ओपन होगा, टाइम बताइए। 14 तारीख डे 1:30 दुबई टाइम, मतलब 3 बजे दोपहर में, 3 PM इंडिया टाइम, 3 बजे दोपहर में 14 जून को जिसके पास भी जीओपी पास है वो इसे ले सकता है, फ्रैक्शंस को शुरू कर सकता है बाय करना जी। तो मेरे हिसाब से तो लोग जो सलमान खान के फैंस हैं, क्रिप्टो में नहीं, ये क्रिप्टो की बात ही नहीं हो रही, इनफैक्ट पूरी दुनिया में लोग वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, उनका बस चले तो ड्रैग करके आधी पेंटिंग ले ले। सो ये मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम नॉट वरीड टू बी ऑनेस्ट सेल इट इज। अच्छा आज भाई एक बात बताइए, चलिए एक आदमी ने शौक शौक में कोई चीज ले लेता है, चलो ले ली शौकिया तौर पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी पोटेंशियल जानना चाहेंगे कि कल को सलमान खान की पेंटिंग का फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, अब उस पेंटिंग अब क्या करेंगे, मतलब व्हाट नेक्स्ट, क्या सेकेंडरी मार्केट में उनको बेचना है, कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो बिक जाएगी क्या फ्रैक्शन? हाँ हाँ बिल्कुल बिकेगी ना, फ्रैक्शन बिकेगी भी, फ्रैक्शन के अगेंस्ट आप लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, व्हाई नॉट, लिस्ट कर सकते हैं। हां बिल्कुल कर सकते हैं, मार्केटप्लेस कहां आएगी हमारी, मार्केटप्लेस artify.market लाइव हो जाएगी टीजी के बाद, और उस पे आप आइए और अपना फ्रैक्शन डालिए और बेचिए। ओह या सो तो जो आप कह रहे थे आप बिड और कुछ लोग वहां, मतलब आप अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हो और आप उसमें लगा सकते हो प्राइसिंग। हां आपने अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल $30 का आपको मिल गया, और सबको तो मिलेगा नहीं क्योंकि 10,000 फ्रैक्शन में मुझे लगता है 4 या 5,000 होल्डर होंगे,
है ना, तो या 10,000 के 10,000 होल्डर होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर वॉलेट से एक ही लेगा, आप खुद नहीं लोगे, आप एक से ज्यादा ही लोगे अगर लोगे तो। आई बिलीव कि मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट पे बहुत अच्छी एक एक्सपेक्टेशन है लोगों की, कि मेरी पर्सनली भी है, बिकॉज नॉट एवरी वन विल एबल टू गेट द फ्रैक्शन, तो सेकेंडरी मार्केट प्लेस पे इसके सेल के अनुमान जो है वो काफी अच्छा है। अच्छा ये बताइए, जैसे कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ठीक है मैंने फ्रैक्शन खरीद लिया, हाउ डू आई 100% मुझे कैसे श्योरिटी होगी कि मेरी इसके पीछे की पेंटिंग वाकई सलमान खान की आपके पास है और फाउंडेशन के पास रखी है? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ऑन चेन कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसा मेट्रिक जिससे लोग वेरीफाई कर सके कि इसकी पेंटिंग वाकई में इनके पास रखी है? हाँ, सो दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेट। प्रूफ ऑफ स्टेट वी विल सबमिट ऑन चेन द सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेट, क्योंकि किसी भी टैंजिबल एसेट का प्रूफ ऑफ रिजर्व ठीक है एक हद तक, बट प्रूफ ऑफ स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हाल में है और कहाँ है। कहाँ है तो वो कहाँ, वो कौन इंश्योर करेगा? वो ऑन चेन डालेंगे, वी विल हैव द प्रूफ ऑफ स्टेट एंड प्रूफ ऑफ रिजर्व थर्ड पार्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट एंड वी विल पुट इट एंड ऑल द कम्युनिटी मेंबर विल नो कि उनकी पेंटिंग किस हाल में है। ये तो वैसे भी बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है आर्ट बिजनेस में, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड। अगर आप एक बहुत महंगी पेंटिंग स्विट्जरलैंड के किसी वॉल्ट में रखते हो ना, तो यू कैन ऑलवेज आस्क द वॉल्ट ओनर टू गिव यू द प्रूफ ऑफ स्टेट, प्रूफ ऑफ रिजर्व, दे विल कीप गिविंग यू। वीडियो भी भेज के बनाएंगे, बना के भेजते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे जो पेंटिंग है उसको सारे फ्रैक्शन होल्डर्स या मेजोरिटी ऑफ फ्रैक्शन होल्डर्स मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू मिल रही है, फिजिकल पेंटिंग बिक रही है, तो उसको बिकने दो और जो उसका प्रॉफिट है वो सारे फ्रैक्शन होल्डर्स में बढ़ जाए? हाँ, 51% कर सकती है, 51% अगर बोला कि ठीक है वी कैन एक्सेप्ट दिस अमाउंट ऑफर, इट विल बी सोल्ड। सो बेसिकली क्या है कि आप कस्टोडियन हो काशिफ भाई, मैं 8वां हूँ, और एक कोई थर्ड पार्टी जिसने ऑफर दिया और मैं आपके पास आया, तो आप मुझे पेंटिंग दोगे ही नहीं, आप बोलोगे गेट अस द डाउ सर्टिफिकेट फ्रॉम कम्युनिटी दैट सेज दे वांट टू सेल। So you are a custodian and you have जो bill of rights है वो आपके पास यही है कि you cannot release the painting, कोई भी आ जाए, आसिफ आ जाए या कोई और director आ जाए या कोई दूसरा CEO आ जाए, you will not release the painting unless until you will not validate the DAO certificate which says this painting was approved to buy or sell whatever the condition is by the community and XYZ worth percentage was recorded. And that certificate will give you the authority to get the painting from foundation, from the custodian. So time to time custodian agar kisi pe is painting ko kahin bhejta bhi hai, for example let's say India Art Fair ho raha hai aur humne socha ki kisi gallery ke sath co participant ban ke painting ko exhibit karte hain, for example karna bhi chahiye, karenge bhi hum log, तो उस केस में भी आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जैसे इंटरनेशनल म्यूजियम्स और गैलरीज की प्रोटोकॉल होते हैं किसी भी पेंटिंग को मूव कराने का। इट इज नॉट लाइक कि सुबह ट्रक में लोड किया और चले गए, वैसा नहीं होगा, इट विल बी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड यू नो ट्रांसफर, जहाँ पे पेंटिंग एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती है या खुदा न खास्ता किसी एग्जीबिशन में भी जाती है तो कम्युनिटी को पता चलेगा और उस पेंटिंग का प्रॉपर एक ऑफिशियल लिंक है जिसपे वो पेंटिंग ट्रैक हो सकती है कि इज इट विद द कस्टोडियन और ट्रैवलिंग फॉर सम एक्सवाईजी म्यूजियम। लेट्स से सलमान खान की पेंटिंग आ रही है, आप उनमें शायद शेयर होल्डर होंगे पेंटिंग के, तो यू विल बी नोटिफाइड इफ इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ वन ऑफ द एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड, मे बी इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड सी द पेंटिंग मे बी। ग्रेट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो सलमान खान से कभी बात हुई है तो उसमें उन्होंने उनकी एक्साइटमेंट का भी पता लगी कि उनको लगता है कि मतलब खैर उन्होंने तो लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, बट बात में मतलब ऐसा लगा कि ही इज ही आल्सो एक्साइटेड टू सी के हाउ दिस टोकनाइजेशन ऑफ हिज पेंटिंग का रिस्पांस कैसा आएगा, इज ही एक्साइटेड? ही लाइक्ड द आईडिया, टू बी ऑनेस्ट ही लाइक्ड द आईडिया बिकॉज़ ही हैज गिवन पेंटिंग्स टू एवरीवन, ऐसे ही उन्होंने दिया है फाउंडेशन के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, बट ही लाइक द आइडिया दैट पेंटिंग उनकी मास में होगी और वो ही इज वेरी हैप्पी दैट थिंग्स आर, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो वांटेड कि
do not put the auction model in my first offering because I really want people, number of people, zyada se zyada log isko le sake. So can you please put it fixed price at least for the first offering, and then you can put it on the auction model in the future. So he's very happy, he's very excited, and I think आप देखेंगे जिस तरह से चीजें मूव हो रही है, मुझे लगता है कि वी विल हैव मोर इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स दैट आई नो दैट ही हैज पेंटेड विल बी कमिंग आउट सून. इट इज मोर हिस्टोरिकल, मोर गुड. या दैट्स ग्रेट. सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई. आई थिंक आपने बहुत सारी डिटेल्स दी, और 14 जनवरी का 3 बजे का सबको इंतजार रहेगा, खास तौर पे जिन लोगों के पास जीओपी पास होल्डर्स हैं. जो जीओपी पास होल्डर्स नहीं है वो जाके जीओपी पास खरीद सकते हैं. अगर आप सलमान खान की पेंटिंग का फ्रैक्शन खरीदना चाहते हैं, कभी सोचा नहीं था आज से पहले, ये पेंटिंग सिर्फ ऑक्शन हाउसेस के अंदर आती थी. कुछ चंद अमीर लोग जो हैं वो ऑक्शन हाउसेस के अंदर पेंटिंग्स को खरीदते थे, बेचते थे. कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो मासिस को तो उस रूम में एंटर भी नहीं किया करने देते थे, क्योंकि अगर आपके पास वहां पे इनविटेशन नहीं है तो आप ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर नहीं कर सकते. पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेंटिंग्स जो है आम जनता के बीच में आ रही है, और आम जनता उन पेंटिंग्स को खरीद सकती है, और खरीद सकती है अपने बजट के हिसाब से. मतलब नहीं है मेरे पास यार मिलियंस में पैसे की पेंटिंग खरीदने के, कोई बात नहीं भाई, $25-30 है, हाँ इतने तो कर सकता हूँ मैं सलमान खान की पेंटिंग, एक छोटा सा फ्रैक्शन खरीद सकता हूँ. आज वो चांसेस आपके सामने है. So all in all, I think it's a huge movement in the field of art. And congratulations, Asif bhai, for disrupting this space. And looking forward to meet you once again. बस जाते जाते ये है कि आप बस ये बताना चाहता था कि जिसके पास भी ये पास है ना जीओपी और जीएपी, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने वो डाला है. तो वो मैं चाहता था कि एक बार वो बता दूं क्विकली, वो 2 सेकंड में. पर्पस ये कि हमारा टोकन स्टैंडर्ड चेंज होकर के अब पॉलीगॉन से सुई पे आ गए, तो जो भी एयर ड्रॉप है वो सुई पे होगा. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुई वॉलेट क्रिएट कर ले. हमने आज रिलीज किया है कैसे करना है. हमारे वेबसाइट पे मूव का बटन है, वो मूव का बटन आप क्लिक करेंगे और आप मूव कर जाएंगे सुई की तरफ. वो मूव का बटन इसलिए डाला क्योंकि सुई की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम मूव है. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स मूव एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे. बस ये कहना था. और जिस वॉलेट से भी आपने खरीदा है जीओपी, उसी वॉलेट से करना है. सो दैट्स ऑल दैट्स आई वांटेड टू इन्फॉर्म द कम्युनिटी की ये इंपॉर्टेंट अपडेट है. बाकी 14 तारीख को ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माय सेल्फ, बिकॉज आई रियली वांट टू हैव वन फॉर माय सेल्फ ऑल्सो. एंड लेट्स सी इफ आई गेट माय फेवरेट फ्रैक्शन व्हेन, बिकॉज आई कांट रियली डू मच अबाउट इट. तो वो जब खुलेगा तो मैं भी ट्राई करूंगा. चलिए ठीक है. With this thought, thank you very much. All the relevant details हम description में डाल देंगे. और जो पुराना जो podcast है, जो कि हमने at length Artify को पूरा हमने cover किया था 1 घंटे का, वो भी हम description में डाल देंगे. अगर आप चाहें तो वो video भी देख सकते हो, और आप पूरी detail में अगर आपको समझना है. चलिए मिलते हैं एक और नए episode में. तब तक के लिए thank you very much. Thank you Asif bhai. Thank you very much. Thank you.